व्याख्यान लेता कि कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी हैं हमारे समाज में जिनका योगदान देश की आज़ादी में बहुत ही सराहनीय है। किसी भी कारण से वो आज तक उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाए, या कुछ क्षेत्रवाद के कारण, कुछ भाषाई कारणों से भी ऐसा संभव है। तो हमारे आदरणीय डीन साहब ने इसको स्वीकार किया, मेरे सभी स्टाफ मेंबर ने भी मेरा बहुत कोऑपरेशन किया। आदरणीय डॉक्टर मोहिनी दैया जी, पूजा दमीजा जी, भीम सिंह जी इत्यादि सभी ने आज का जो व्याख्यान है, विद्वजन व्याख्यान का हमारा दूसरा भाग है, और इस आज हमारा जो व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान जी बेंगलुरु से, इनको हमने टॉपिक दिया देश की आज़ादी में मुस्लिम महिलाओं का योगदान। क्योंकि मुस्लिम विद्वानों के बारे में तो हम पढ़ते लिखते भी आए हैं, पर महिलाओं के बारे में बहुत कम हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। और मेरा ऐसा विचार है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, जब तक उसके परिवार की महिलाएं, उसमें माता बहनें, पति पत्नी पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, अगर वो सहयोग ना दें तो महान कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि घर गृहस्थी का जो स्वामी दयानंद ने जितने भी आश्रम है उनमें सबसे कठिन आश्रम गृहस्थ को ही बताया है, अन्य संतों ने भी बताया है, क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जहाँ पर सभी, जिसके माध्यम से सभी आश्रम चलते हैं। और उस गृहस्थ आश्रम में जितनी व्यवस्था या घर की व्यवस्था महिला करती है, इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था पुरुष नहीं कर पाते, ये भी एक अटल सत्य है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे विभाग की सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर मोहिनी दैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर रियाज जी का एक संक्षिप्त परिचय सभी प्रतिभागियों से करवाएं, और उसके बाद मैं हमारे डीन महोदय से अनुमति भी चाहूंगा कि हम व्याख्यान को प्रारंभ कर सकें बिना किसी विलंब के। डॉक्टर मोहिनी दैया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सभी नमस्कार। का इस अमृत महोत्सव में स्वागत है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं डॉक्टर रियाज खान का परिचय देने के लिए मुझे आपने ये मौका दिया। इस अमृत महोत्सव में आज का ये जो व्याख्यान रखा गया है, इसके आयोजक हैं डॉक्टर नरेश जी सिहाग, जो अभी अपना परिचय दे रहे थे। ये हिंदी विभाग टांटिया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हैं, और आज का ये जो व्याख्यान का आयोजन जो किया गया है, इसका विषय रखा गया है देश की आजादी में मुस्लिम महिलाओं का योगदान। और महिलाओं के बारे में जो आजकल जैसा सोचा जाना चाहिए, जैसा महिलाओं का योगदान हो रहा है, तो ये जरूरी है कि इस संबंध में इस तरह के व्याख्यान किए जाएं, तो उनकी भी हौसला अफजाई होगी। बहुत अच्छा विषय जो है इसका चयन किया गया है, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज जो है हम इनसे रूबरू होने जा रहे हैं। आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग से। इनका जन्म 15 जुलाई 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ, और इनका कार्यक्षेत्र जो है वो भी बेंगलुरु है, कर्नाटक में। और इनकी जो शिक्षा है, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी और अनुवादक का कार्य भी ये करते रहे हैं। इनकी एमफिल का विषय था नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह पत्थर गली में मुस्लिम परिवेश, इस विषय पे इन्होंने एमफिल की थी। और इनकी पीएचडी का विषय था राजेश जोशी के काव्यों में समसामयिक समस्याएं, जिन पे इन्होंने पीएचडी की है। इनकी शिक्षा लगभग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हुई है, और उच्च शिक्षा जो है इनकी जो है वो कर्नाटक से हुई है। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, पिछले
10 सालों से ये बेंगलुरु में हिंदी में अध्यापन और पत्रकारिता के कार्य से जुड़कर ए हिंदी भाषी नागरिकों को हिंदी अनुवाद के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। हिंदी प्रचार प्रसार की सेवा में बेंगलुरु में लगातार ये कार्य करते आ रहे हैं। 2011 से 2014 तक न्यूज ऑफ इंडिया के बेंगलुरी इकाई में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से कार्य करने के बाद 2014 से ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन बेंगलुरु इकाई के जिला सलाहकार भी ये रहे। जुलाई 2021 से बोहर मंजूसा अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका के एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य भी ये बने हैं। 2013 में सिल्क फोन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में कबीर के साहित्य में विश्व शांति विषय के पुरस्कार का सम्मान किया गया। विभिन्न संस्थान से उन्होंने आलेख पत्र और गजल कविताएं इनकी छप दी है। इन्होंने 3 और थाईलैंड की यात्राएं भी की है। इस तरह से इतने प्रतिभाशाली मोहम्मद रियाज खान जिनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं का देश की आजादी में क्या योगदान है, इस विषय पे ये अपने विचार रखेंगे और हम इनसे रूबरू होंगे। नमस्कार, इनका स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज खान। नमस्कार। हाँ नमस्कार सभी का, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते। आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले एक दरख्वास्त है दीपक कुमार सर से कि आप अपना म्यूट कर लें, थोड़ा सी आवाज आ रही है। दीपक कुमार सर, दीपक कुमार जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए, डिस्टर्ब हो रही है आवाज में। दीपक कुमार या फिर नरेंद्र सोनी सर, अगर आप उनको म्यूट कर सकें तो। सर्वप्रथम चांदिया विश्वविद्यालय श्री गंगा नगर राजस्थान। अब कुछ ठीक है दीपक कुमार सर, आपका म्यूट नहीं है, एडमिन उनको देख लें। और विमल विमल परमार सर कृपया म्यूट कर लें। जितने भी सहभागी इस व्याख्यान माला में जुड़े हैं, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। दीपक जी, हाँ अब करिए डॉक्टर साहब प्रारंभ। अच्छा, सर्वप्रथम चांदिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान का धन्यवाद, वहाँ के हिंदी विभाग के वकील साहब डॉक्टर नरेश सिहाग जी, जो लगभग पूरे इंडिया में नहीं बाहर देशों में भी लोगों को जोड़ रहे हैं और हिंदी के लिए तो एक तरीके से क्रांति ला दिए हैं, तो इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर नरेंद्र सोनी सर जी, सुनील कुमार डीन सर का भी, डॉक्टर मोहिनी जी का, डॉक्टर पूजा जी का, डॉक्टर दयानंद जी का, रजिस्ट्रार सर का और यहाँ के कंट्रोलर, आप सभी का धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा और ये जो विषय दिया वकील साहब ने कि मुस्लिम महिलाओं का योगदान आज़ादी में, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा नया विषय जैसा लगा, क्योंकि कभी इससे पहले ऐसा कोई विषय मैंने सुना ही नहीं था। मैं पर्सनली बता रहा,
तो डॉक्टर वकील साहब से भी मैंने पूछा कि ऐसा कुछ कितने सारे ऐसे हैं जो काम किए हैं, तो मुझे जो है 7-8 का ऐसा पता था। तो वकील साहब ने बताया कि नहीं, कई सारी, इनकी संख्या बहुत सारी है। तो मुझे इनसे प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं इस पे शुरू करूँ काम। तो सबसे पहले मैं इस महिला और मुस्लिम महिला पर बात करूंगा, फिर उसके बाद फिर इन महिलाओं का योगदान आजादी में, फिर उसके बाद जो भी सवाल जवाब होंगे, नरेश सर हैं, मैं हूँ और भी हैं, सीनियर हैं, वो देंगे। आप सभी सीनियर जितने भी यहाँ पे हैं, आप सभी का धन्यवाद, जितने लोग भी जुड़े हैं। एक ग्रीक सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे, क्योंकि वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, तो ग्रीक सिविलाइजेशन में कहा जाता है, माना जाता है, लिखा हुआ है कि एक हिडम्बा या हिडम्बा नाम की एक औरत थी, और जिसको वहां के आसपास में किसी को भी कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कोई भी अगर समस्या आती है, किसी के घर में मौत हो जाए या कोई भी परेशानी, तो वो जाता था और उस औरत को 2 डंडे मार करके आ जाता था। और हाँ जी, सुन उसको, लीजिए, उसकी ये मान्यता थी कि मैं ये इस कह रहा, ये समाज दो चार में जने फोन कर रहे हैं, जितनी तो भी उनको तो समझ, ठीक इस समाज है में सर, जितनी मैं भी समझ मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, इस समाज में जितना भी कुछ होता मानना ठीक है। है, वो सिर्फ और सिर्फ औरत की वजह से होता है, एक महिला की वजह से होता है। तो इनकी ऐसी एक मान्यता थी, और वहां से लेकर के वो ग्रीक सिविलाइजेशन से लेकर के फिर बाकी सारी सिविलाइजेशन में देखते चले आइए, आज भी, जैसे मैम ने कहा कि आज भी औरतों के ऊपर एक तरीके से जुल्म भी कह सकते हैं कि जुल्म भी हो रहा है, साथ ही साथ औरतों को एक हकारत की नजर से देखा जाता है। ऐसा लगता है कि औरत जो है कमजोर मानी जाती है, और चाहे वो घर की में ही देख लो या फिर बाहर कॉलेज बाहर कहीं पे भी वो प्लेस में हर जगह। लेकिन आज ऐसा वक्त अब नहीं रह गया है, अब औरतें की शाना बशाना चल रही हैं। आसमा मैम, थोड़ा सा आप प्रेजेंटिंग बनकर, तो इस तरीके से चल रही हैं। तो ये आज हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, कहीं ना कहीं काफी तब्दीली, बदलाव आया है। तो ये बदलाव जो है ब्रिटिश हुकूमत में के दौर में भी आया, क्योंकि कहा जाता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बारे में अक्सर यही है कि 4 दीवारी के अंदर कैद रहना, पर्दा सिस्टम का जो बातें हैं, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, आज भी हुआ करती हैं, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में या उससे आसपास के वक्त में देखा जाए, तो कई औरतों ने इन सब चीजों को, इन रूढ़ियों को, इन पर्दा और अपनी 4 दीवारी को छोड़ करके वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने जो हालात के हिसाब से, जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, उसको फेस किया। और उसको फेस करने के वक्त में ये नहीं हुआ कि वो औरत है, कमजोर है, नहीं, मर्दों के साथ शाना बशाना हुई। और गांधी जी के साथ में भी बहुत सारी औरतें थी जो हिंदू मुस्लिम बाकी सारी, इवन क्रिश्चियन से सारे सब कोई जुड़े हुए थे। तो आज हम बात जो कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो देश आजाद हुआ, आजादी में कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं रहा जिसकी अपनी कोई ना कोई रही हो, वो भी अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया है, चाहे वो एक किसान हो, घर पे गांव में रह करके वो अन्न उगाने का काम किया हो, उसे जब ये पता चला कि देश आजाद होना है या हम आजाद होने, तो उसकी भी एक चाहत रही कि हम इस देश को आजाद देखें। और उसके लिए वो जो कर सकता था बेचारा वहां से किया, एक औरत, एक बच्चा, एक किसान, एक मजदूर, एक टीचर, जिसकी जितनी हैसियत थी, जिसकी जितनी अपनी बल था, उस हिसाब से लोगों ने किया, सारे लोगों ने, किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने, किसी को अगर क्या कहते हैं, अपने हाथ पैर से नहीं कर सके तो दिल में उनके रहा, किसी
किसी के एक जहन में इस तरीके की बातें रहीं, जबान से वो लोग बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये कह सकते हैं ये। लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान वही हुआ जिन्होंने अपनी उन मुश्किलात को फेस करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब घर पे बैठे बैठे नहीं, मतलब हमारे पति मना कर रहे हैं या हमारे पिताजी मना कर रहे हैं नहीं जाने का, लेकिन मैं यही मुझे लगता है देश को आजाद कराना चाहिए और ये होना चाहिए, तो उनके दिल में वो भी अच्छे थे। लेकिन जिन लोगों ने उन सब चीजों को छोड़ा कर दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि हमारे देश को आजाद कराना है और यहाँ की आजादी जो है आज हम मुश्किल को झेल लेंगे, आज हम इन सारी तकलीफों को झेल लेंगे, तो कल हम या हमारी आने वाली संतानें, हमारे आने वाला जो समाज है वो कहीं ना कहीं इस खुशियों को महसूस करेगा। तो इस वजह से उन्होंने सबने अपना अपना योगदान दिया। अच्छा, योगदान देने अब जब मुस्लिम महिलाओं को आगे आने की प्रेरणा भी कैसी मिली, ये भी क्या कहते हैं वहां के लोगों का, वहां के आसपास के गांधी जी के विचारों का और जितने भी उनके घर के आसपास जितने भी क्रांतिकारी टाइप के लोग रहते थे या देश को आजादी के लिए कुछ करने का उनके अंदर जुनून हुआ करता था, उन लोगों से प्रेरणा मिलती है। तो ये एक क्या कहते हैं राष्ट्र के नाम पे एक फतवा जारी किया गया था मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। मौलाना ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया कि कोई भी अंग्रेजी फौज में नहीं भर्ती होगा और जो भी कोई अंग्रेजी फौज में भर्ती होता है वो हराम है, और हराम का मतलब होता है प्रोहिबिट है, रिस्ट्रिक्शन, जो भी चीजें आप उसके आगे करोगे तो इट इज अगेंस्ट टू इस्लामिक कल्चर एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो वो क्या होता था कि वो जो है जब उन्होंने किया इसकी सुनवाई जो है फिर उनको अरेस्ट कर लिया, मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद उनकी सुनवाई होने लगी, तो जज ने पूछा कि क्या आपने फतवा दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने फतवा दिया था कि ब्रिटिश हुकूमत में जो भी फौजी अगर मुस्लिम अगर उसमें दाखिल होता है ये हराम है, और मैं यहाँ भी फतवा दे रहा हूँ इस जज इस अदालत में बैठ कर भी यही मैं फतवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा, जज ने पूछा कि क्या इसका अंजाम तुम जानते हो, उन्होंने कहा हाँ मैं इसका अंजाम जानता हूँ कि तुम कुछ भी मेरे साथ कर, उन्होंने कहा तुम्हें फांसी भी हो सकती है, जज ने कहा तुम्हें फांसी भी हो सकती है। तो उन्होंने अपनी झोले से उस वक्त में जो झोला हुआ करता था उस झोले से कपड़ा निकाला और टेबल पर रख दिया, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये मेरा कफन है जो मैं सहारनपुर से लेकर के आया हूँ, पर मैं कफन भी ब्रिटिश हुकूमत का नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा अपने देश का जो कफन है जो मेरी अपनी घर का कफन है उसी को मैं ओढ़ करके मरूं, मैं तुम्हारे कपड़े को भी छूना पसंद नहीं करता। तो एक तरीके से ये जो हीटेड आर्ग्यूमेंट था इसका असर काफी लोगों पे पड़ा, चाहे जो भी धर्म के लोग थे, जिसमें भी जिसको भी जब भी हम कोई क्या कहते हैं देश के लिए कोई कविता वगैरह सुनते हैं तो कुछ भी हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देश में है देखना है, तो आप कि ना चाहते आप लेटे रहो बैठे रहो नींद में हो तो भी आपके रोए खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जोश हमारे दिल में आ जाता है। तो ऐसा ही जोश उस वक्त में दौर में लोगों में आना शुरू हुआ। और अगर बात करें कि एक महिला थी बेगम हजरत महल, सब लोग जानते हैं और कहा जाता है कि ये प्रथम स्वतंत्र संग्राम की विद्रोही महिला थी, इनका जन्म 1830 में हुआ था और 1879 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या कहते हैं इनका असली नाम जो था वो मोहम्मद खानुम था और अवध रियासत में फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो क्या कहते हैं नवाब वाजिद अली शाह की ये दूसरी पत्नी थी और इन्होंने क्या किया कि जब नजरबंद कर दिया गया नवाब को और उनको एक तरह से कैद कर लिया गया, तो इन्होंने अपने पति कि वो सारी जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की वो जो थी हिम्मत उसके साथ इन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया और गद्दी पर वो अपने नाबालिग बेटे जिसका नाम बिजित था उसको उन्होंने तख्त नशीन किया और फिर उनकी क्या कहते हैं नाम पे हुकूमत करना शुरू कर दिया। और उन्होंने डट कर मुकाबला किया, वो जब जाया करती थी तो हाथी की सवारी करती थी और सेना के आगे ये रहती थी, तो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब क्या कहते हैं सिर्फ नाम के वास्ते नहीं भी
काम के वास्ते भी थी और सेना के आगे डर हुआ करती थी, और फिर युद्ध होना शुरू हुआ और कई बार युद्ध होते गए। तो इन्होंने किसानों को, वहां के जमींदारों को, सैनिकों को, सबको उन्होंने इकट्ठा किया, और यहाँ तक कि उन्होंने पहली दफा एक वुमेन की एक टुकड़ी बनाई, सेना बनाई, औरतों की एक सेना बनाई, जो वहां की औरतें थी, लड़कियां थी, उनको उन्होंने उसमें भर्ती किया और उसका भी नेतृत्व, उनको सिखाना तलवारबाजी और घुड़सवारी करना उनको उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हैं, ये युद्ध होना शुरू हो गया, ब्रिटिश हुकूमत कई बार इनके ऊपर हमला करती है। वो हमला के वक्त में ये जो है वहां पे इनकी जो सेना थी, सेना नायक वगैरह, इन्होंने कहा कि भाई क्या कहते हैं, अब हमको जो है यहाँ से रहना मुश्किल है। तो ये वहां से जंगलों में चली जाती हैं। तो जंगलों में जब जाती हैं, वहां रहने लगती हैं, तो भी वो खतूत लिखना शुरू लिखती रहती हैं और अपने लोगों को वहां की रियासत को हर गांव गांव में चिट्ठी भेजती थी और ये कहती थी कि इन अंग्रेजों के वरगलाने में इनकी जो भी साजिशें हैं इनमें तुम मत फंसना, ये जो भी कहते हैं ये गलत कहते हैं, ये हमारे दुश्मन है और सब लोग चाहे जिस धर्म जाति हो सब इकट्ठा होकर के पहला मुकाबला आपको इन अंग्रेजों से करना है, ये जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं इनके ऊपर करना है। तो इस तरीके से वो करती रही। फिर उसके बाद में वो वहां से जब जंगलों में रहते हुए भी उनको घेरा जाने लगा गया, तो उनके सेना नायक वगैरह ने उनको नेपाल लेके गए, काठमांडू लेके गए। वहां के राजा जंग बहादुर राणा थे, उन्होंने उनको शरण दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर भी कहा कि अगर आप शरण दोगे हमारे दुश्मनों को तो फिर आपको ये सब झेलना पड़ेगा। तो फिर वो खुद बखुद वहां से निकली और निकलने के बाद कुछ दिनों तक यहाँ वहां जंगलों में वहां के बीच में रहने लगी। फिर लास्ट में उनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1879 में होती है और वहीं पे काठमांडू की जामा मस्जिद में उनको वहीं पे दफनाया जाता है। और दफनाने की बात भी क्या कहते हैं उनका, जब इंडिया हमारा आजाद हुआ तो 1962 में, 15 अगस्त 1962 में लखनऊ का हजरतगंज विक्टोरिया पार्क जो नाम था उसका नाम बदल करके रखा गया बेगम हजरत महल पार्क। तो आज भी उस पार्क का नाम ये है। तो इसके बाद एक और महिला का जिक्र होता है, आबती बानो बेगम, जो एक बूढ़ी औरत थी। इनका जन्म 1852 में हुआ था और 1924 में इनका देहांत हुआ था। ये उस वक्त में तकरीबन 82 वर्ष की थी। गांधी जी के का असहयोग आंदोलन वगैरह जो चल रहा था उस वक्त का दौर था। तो ये बूढ़ी औरत, इनका इनका विवाह के 27 साल के बाद इनके पति का देहांत हो जाता है और फिर बेवा हो जाती है, दूसरी शादी नहीं करती। इनके दो औलादे होती हैं, दो बेटे होते हैं, एक होते हैं मौलाना शौकत अली और दूसरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा रामपुर वगैरह में। तो क्या कहते हैं, इनका जो है, इनके दो औलादे थी, तो दोनों भी वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भाग लेने के बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब दोनों बच्चों को अरेस्ट करने के बाद फिर एक साल तक अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद एक रूमर एक फैलता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने प्रपोजल दिया है कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों अगर माफी मांग लेते हैं तो ये उन दोनों को आजाद कर देंगे। ये पता चलता है इनकी माँ को, यानी आबती बानो बेगम को, जिनको बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो बी अम्मा को जब पता चलता है तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी दोनों औलादे माफी मांग कर वापस आ जाती है मेरे घर में, तो मैं दोनों, इन बूढ़ी बूढ़े हाथों में अभी इतनी इतनी ताकत है कि मैं दोनों का गला दबा करके मार डालूंगी, लेकिन ये नहीं पसंद करूंगी कि वो माफी मांग करके, ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग करके मेरे घर पे आए। तो लेकिन वो रूमर था, उन्होंने जो ये किया। तो दोनों बेटों को इस तरीके से जेल में रहे। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के का जो उस वक्त में था, तो उसमें धन का, पैसों की जरूरत होती थी। तो ये बूढ़ी औरत जो है 1917 में शुरू कर दिया पैसे को कलेक्ट करना और आश्रम में उन पैसों को ले जा करके उनको देती थी और उनसे जो भी पैसे से काम हुआ करता था देश के लिए, समाज के लिए, उनका वो सब। तो ये भी अम्मा जो है बसंती देवी, सरला देवी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं के साथ में उस समय सभाओं में जाया करती थी, संबोधन किया करती थी, संबोधित करती थी, उन लोगों को आह्वान करती थी कि वहां के लोग जो है
कि मैं एक बूढ़ी औरत होकर के 82 साल की उम्र में हो गई है और मैं जब देश के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम लोगों में तो अभी बहुत ताकत है और तुम लोगों को इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने की एक चाह होनी चाहिए। तो उन्होंने वहां पे किया और बहुत सारे लोग उनके पीछे आए और बहुत सारी औरतें, मुस्लिम औरतें खासकर, उनके उनके बात सुन करके आई। तो उन्हीं के साथ में एक थी बीबी अमात सलाम नाम की एक औरत थी, जो क्या कहते हैं गांधीवादी तरीके से ये थी और राजपुताना परिवार में पटियाला में पंजाब में इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1985 में। इनके पिता कर्नल अब्दुल हमीद थे और माँ अमातुर रहमान थी। तो इनके जो बड़े भाई थे वो जो है ब्रिटिश हुकूमत से बड़े खिलाफ थे, अब्दुल राशिद खान, उन्हीं की ये प्रेरणा लेकर के इन्होंने शुरू कर दिया था क्या कहते हैं आजादी के लिए लड़ाई की लड़ना और फिर लोगों को इकट्ठा करना। और सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि जितने भी उनके रिश्तेदार थे, उनके घर वाले, आस पड़ोस, जितने भी उनके जानने वाले थे, सबसे विदेशी वस्त्रों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और लेकर ले आकर के कांग्रेस के मुख्यालय में सारे कपड़ों को ला करके उन्होंने जला दिया। और जलाने के बाद फिर उन्होंने बहुत सारी औरतों को इकट्ठा किया, जिनमें सभी धर्म की औरतें थी, उनको इकट्ठा करने के बाद फिर खादी के कपड़ों को सेवाग्राम में खादी के कपड़ों को बनाना शुरू किया वहां पे करते हुए। और फिर जब वक्त मिलता था, टाइम मिलता था, तो वो जाती थी सारी औरतों को लेकर के जितनी जहां जहां हो सकता था वहां वहां पे विदेशी कपड़ों का त्याग करने का, जो भी विदेशी कपड़े हैं उनको त्याग करो और फिर खादी के कपड़ों को अपनाने के लिए उन्होंने शुरू किया ये काम। तो ये 1932 में ये सारा जब काम करने लगी तो 1932 में इनको जेल में डाल दिया गया। तो जेल में जब वो गई तो वहां पे कुछ दिनों के बाद जब वहां से रिहा हुई तो फिर वो आती हैं गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में और वहीं से गांधी जी की निजी सहायिका का दायित्व उन्होंने निभाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल वगैरह में वहां पे दंगे फसाद हो गए थे ब्रिटिश हुकूमत ने, कहा ना उनका हमेशा का ये रहा है कि फूट डालो राजनीति करो। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिम हिंदू में एक तरीके से दंगा बर्पा करवा दिया और दंगा शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग ये हुए। तो उस वक्त में इनको क्या कहते हैं जाना पड़ा, गांधी जी ने कहा कि आप जाइए वहां पे लोगों को समझाइए। तो वो वहां पे पश्चिम बंगाल जाती है, वहां सिंध के आसपास का नौखली क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया राजदूत बन करके गांधी जी की, और वहां के लोगों को 20 दिन तक वो वहां पे रही और उन लोगों को समझाई। और जब सारा कुछ सद्भाव हो गया, सब एकीकरण हो गया, सब लोग शांत अमन से हो गए, तब वहां से फिर वापस आती हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार साहब के साथ में ये रह करके वापस आती हैं और वहीं पे उनके साथ वो फिर भारत का अनेक क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर देती हैं और फिर उनकी भी मृत्यु होती है। अगली औरत का, क्योंकि सारे का नहीं तो मैं कुछ का जिक्र करता चलूंगा, हाजरा बेगम का। हाजरा बेगम 1910 में इनका जन्म हुआ था और ये जो है 2003 में इनकी मृत्यु थी, तो काफी लंबी उम्र इनकी हुई थी। हाजरा बेगम जो है वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बचपन से ही मतलब एक तरीके से इनके जुनून का रहा और वही जुनून इनको ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ करता चला गया। और ये कई मंचों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने भाषण दिया बोला और फिर उसके बाद में ये अपनी पढ़ाई वगैरह लंदन में की करके आई थी। तो मतलब वहीं से इनकी जहनियत बन गई थी, क्योंकि लंदन में जितने अक्सर लोगों को पता चलता था, क्योंकि दूसरे कंट्री जो दूसरे देश थे वो भी जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में थे, वहां के लोग जो वहां पे आकर के रहते थे, तो सब लोगों का ये होता था यार ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे हमारे देश पे अन्याय कर रही, वो बोलते हमारे, तो सब लोग एक दूसरे से बातें करते थे। तो वहां पे एक तरीके से लोगों का हुजूम बनता चला गया, तो एक तरीके से बगावत करने वाले बागी लोग उनके माने जाने लगे।
तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत ने वहां पे सारे लोगों को अरेस्ट किया, कुछ लोगों को उन्होंने भेज दिया उनके कंट्री, तो इनको भी हाजरा बेगम को अपने देश वापस लखनऊ भेज दिया। और यहाँ पे आकर के ये फिर एक व्याख्याता के रूप में, एक टीचर के रूप में 1935 में इन्होंने ज्वाइन किया करामत हुसैन महिला कॉलेज में, लखनऊ में जो है, तो वहां पे उन्होंने किया और पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाते हुए कई साल तक किया। तो फिर जो है, लेकिन इनकी जो रवैया था, इनका जो ब्रिटिश के खिलाफ का जो मुहिम थी वो भी चलती रही साथ में, तो क्या हुआ कि इनके पीछे लग गए ब्रिटिश हुकूमत, और इनको कई बार अरेस्ट किया, जेल गई, फिर आई, फिर जेल गई, फिर, तो इन्होंने, इनको लगा कि हम यहाँ पे अगर पढ़ाते रहेंगे तो हम आगे काम भी नहीं कर पाएंगे, और फिर ये ब्रिटिश हुकूमत जब देखो तब हमको अरेस्ट करती रहेगी। तो इन्होंने क्या किया कि उसको, अपने जॉब को, अपने काम को, प्रोफेसर का काम उन्होंने छोड़ दिया, और फिर छोड़ करके पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो कांग्रेस में मतलब एक वैध पार्टी थी, ब्रिटिश हुकूमत उसको मान्यता दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्वाइन करने के साथ साथ वो अंदर ही अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की भी काम कर किया करती थी। जब ये पता चलता है कि ये जो है सक्रिय रूप से कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त में ब्रिटिश हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ थी और उसको मान्यता नहीं थी, एक तरीके से आज के जमाने में जैसे उनके टेररिस्ट जैसा उनका, उनके साथ बिहेव किया जाता था, तो वो लोग जो है इमीडिएटली यहाँ से जब उनको अरेस्ट करने की बात आती है तो उन्होंने अपना सब काम धाम छोड़ करके 1937 में आंध्र प्रदेश के कोथापट्टनम के एक गुप्त राजनयिक कार्यशाला में शामिल हो गई, वो वहां से भाग करके चली आई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ करके भी उन्होंने वही अपना काम शुरू किया। ये धीरे धीरे बाद में हाजरा आपा के नाम से जानी जाने लगी, सोवियत संघ में 1960 में लेनिन के नाम पे पूर्व संध्या में एक अवार्ड वितरित हुआ था, सुप्रीम सोवियत जुबली अवार्ड, जो इनको 1960 में मिला था, और फिर उसके बाद जिंदा काफी दिनों तक रहते हुए इन्होंने अपने देश के लिए अपनी पूरी जीवन न्योछावर किया, और 2003 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इनकी मृत्यु जो है 2003 में हो जाती है। एक और महिला का जिक्र आता है, जुबैदा दाऊदी का, जो जो मौलाना सफी दाऊदी की वाइफ थी, और जैसे कि मेरे सर ने कहा कि जितनी भी औरतें या पुरुष जो भी देश के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, सब उसका परिवार ने उनका साथ दिया, सब कुछ समाज ने था। अगर किसी का परिवार अगर साथ नहीं देता है तो नहीं कर सकते हैं। आज भी हम लोग देखो, कोई भी काम करना है, अगर आपके परिवार आपका साथ नहीं देता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे आपका साथ नहीं देता है, तो कोई टीचिंग करने का भी मुश्किल हो जाएगी, तो या तो फिर आप पलायन कर जाओ वहां से, घर परिवार छोड़ करके। तो अगर घर वाले साथ देते हैं तो ही होता है। तो जितनी औरतों ने देश की आजादी के लिए लड़े, या फिर जितने पुरुष, इवन गांधी जी का भी, अगर माता कस्तूरबा साथ ना देती गांधी जी का, तो गांधी जी गांधी जी ना हो पाते, गांधी जी बापू जी ना हो पाते। तो इसी तरीके से सबके घर वालों ने साथ दिया। तो जुबैदा दाऊदी, जब इनके पति को ब्रिटिश हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया था, तो उस वक्त में ये कांग्रेस पार्टी की में गई, और फिर इन्होंने भी वही काम किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, वहां के क्या कहते हैं, खादी कपड़े का प्रचार प्रसार किया, और जो भी विदेशी वस्त्र थे उन सारे वस्त्रों को त्याग करने का लोगों को आह्वान किया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक क्या कहते हैं, जितनी भी वहां पे स्कूल वगैरह जो भी हुआ करते थे, उन स्कूलों में जा करके ये खाने पीने का बंदोबस्त करने लगे। तो जो खाना पीना का इंतजाम करता है, या फिर जितने भी वहां पे आकर के रहते थे क्रांतिकारी लोग, उन लोगों का खाना पीने का इंतजाम करना होता था, इनका काम था। एक और महिला का नाम आता है अजीजन बाई, जो बहुत मशहूर रही हैं, और आज के जमाने में कहा जाए तो वो तवायफ थी, और उमराव जान के साथ में, साथ उन्होंने अपना उनका काम किया था। तो इनका जन्म 1832 में लखनऊ में हुआ था,
और नाना साहब, जब हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करके और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ये किया, तो नाना साहब के आसपास जितनी भी क्या कहते हैं आर्मी वगैरह थी या गुप्तचर थे, उन सब के साथ साथ ये अजीजन बाई भी थी। तो ये क्या करती कवायद थी, ब्रिटिश हुकूमत के साथ जितने भी उनके आर्मी वाले चीफ ऑफिसर रहते थे उनके साथ में भी रात गुजारती थी, उनको शराब पिलाती थी, और शराब पिलाने के बाद उनके साथ में रात में रहते हुए जो भी खुफिया जानकारी थी उन सब उनसे कलेक्ट कर लेती थी, इकट्ठा कर लेती थी कि ब्रिटिश हुकूमत का क्या मंसूबा है, कल वो लोग क्या करने वाले हैं, किसको पकड़ने वाले हैं, किसको क्या करने वाले, उन सारी चीजों की खुफिया जानकारी वो इकट्ठा कर लेती थी और फिर ला करके ये दे देती थी इनको उनकी आर्मी को नाना साहब के। और फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये पता चल गया कि अजीजन बाई ही है जो हमारी खबरों को लीक करती है। तो उस वक्त में ह्यूमक नाम का एक अंग्रेज था, जो ह्यूलक या ह्यूलम के नाम से उसका था अंग्रेज था, वो जो है आता है और बहुत शातिर दिमाग था, वो उसको अपॉइंट किया जाता है, वो इनको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद उस वक्त में उसने उनका चेहरा नहीं देखा था, नकाब में थी, जब अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने के बाद उनको उनके ऊपर गन लगा देता है और कहता है कि क्या तुमने हमारी खुफिया जानकारी तुमने लीक की है और ये ऐसा किया है। तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और ये बोल करके उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसके नकाब निकालो। तो जैसे ही वो नकाब निकालते हैं तो बहुत खूबसूरत होती है, तो वो देख करके उससे मोहित हो जाता है और कहता है कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो ये कहती है नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी तुम चाहे, और फिर उसको बुरा भला कहती हूँ, और कवायद तो थी कोई ऐसा नहीं, तो उनको अच्छी खासी उनको सुनाती हैं, गालियां देती हैं। तो इससे बहुत वो क्रोधित हो जाता है, और इतना क्रोधित होता है वो अंग्रेज ह्यूलर कि उनको गोली मारता है, एक दो गोलियां नहीं मारता है, 21 गोलियां लगातार उनको मारता है, 21 गोलियां मारता है, इतना गुस्सा हो जाता है। और फिर वहीं पे अजीजन भी बाई ढेर हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और समय हो तो मैं एक आध दो का और जिक्र करूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब निश्चिंत रहिए। अच्छा ओके, मुझे थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा समय की का। तो अगली एक औरत है अमजदी बेगम। सभी श्रोताओं का तो धन्यवाद जिन्होंने मेरे सुन रहे हैं। अमजदी बेगम जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पत्नी थी, और ये भी क्या कहते हैं रामपुर की रहने वाली थी, इन्होंने फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस से अपना पढ़ाई वगैरह की थी, और फिर जितनी भी मीटिंग हुआ करती थी मौलाना अली जौहर के साथ में, उन सारी मीटिंग में वो खुद जाया करती थी, और बाद में लास्ट में वो जो है सत्याग्रह का और खिलाफत का जो फंड हुआ करता था उस फंड को इकट्ठा करने लगी, और यहाँ पे जितनी भी पैसे वगैरह इकट्ठा करके वो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के को देती थी, और उनका भी वैसे ही आदर माना जाता है। अगली एक और आती है सादत बानो किचले, जो एक राइटर थी, लेखिका थी, पोएट थी, और वो उनकी कहानियां और कविताएं सॉरी जो थी वो सब देशभक्ति के ऊपर लिखा करती थी। ये थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचले की वाइफ थी, और वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पति भी, और ये भी उनके साथ ही काम उर्दू में और फारसी में दोनों भाषाओं में ये इतना अच्छी पोएट्री लिखा करती थी, और अपने आर्टिकल से अखबारों में जो आर्टिकल निकलते थे और उन सब आर्टिकल में ये देश के लिए औरतों को खासकर प्रेरणा देती थी कि आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में शामिल हो और इनके 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 साथ आप बिल्कुल भी मुरव्वत मत बरतो। तो ये जो है ये सब लिखने की वजह से ब्रिटिश हुकूमत इनके खिलाफ हो गई थी, और 1920 में इनको ब्रिटिश हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया,
और इनको जेल हो गया। तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत ने जेल इसलिए डाला है कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करती हूँ। तो इसको भी उन्होंने मेंशन किया है। तो राज आश्रम में इनका बाद में चेयर पर्सन बन गई थी और उसका उन्होंने काम किया था। एक और महिला का नाम आता है जुलेखा बेगम, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी पत्नी थी। तो उनका भी यही हाल था, बड़ी गरीबी की हालत थी शुरुआत में जब मौलाना यहाँ पे आए थे, और फिर जब 1942 वगैरह तक मौलाना को अरेस्ट किया जाता था, 1 साल अरेस्ट होते थे फिर निकलते थे, फिर तो वो जेल में रहना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उसके उस वक्त में इन्होंने गांधी जी को एक लेटर लिखा था कि मेरे हस्बैंड को, जब 1942 में उनको हुआ था जेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, तो उस वक्त में उन्होंने लेटर लिखा था कि माय हस्बैंड इज गॉट 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, दैट इज लेस देन 1 एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ हिज डिवोशन, कि इस वजह से कि मतलब उन्होंने अपने देश के लिए किया है, तो 1 साल मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गरीबी थी, किसी तरीके से अपना घर पार वो चलाती थी, और चलाने के बाद में जो काम मौलाना आजाद का था उस काम को इन्होंने उस 1 साल तक पूरे उन्होंने ये किया निभाया, और जितनी भी वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी उन सारी मीटिंग को अटेंड करती थी, उनके साथ जाया करती थी। अगली औरत है निशातुन निसा बेगम, जो बेगम हजरत मोहानी की पत्नी थी। ये भी क्या कहते हैं एक्टिविस्ट थी, पब्लिक में जाया करती थी और वहाँ पे सारे लोगों को इकट्ठा करती थी। और जब मौलाना को 1916 13 अप्रैल 1916 में जब जेल हो गया था, तो उस वक्त में फिर मौलाना की ये सारी जो भी काम धाम था उन सब चीजों को इन्होंने अपने हाथ में लिया और फिर वो करती रही। तो इन्होंने एक मंथली मैगजीन निकाली थी, मैगजीन हिंद, हिंद के नाम से। उस मैगजीन को इन्होंने एडिटिंग किया और क्या कहते हैं 1921 में खुर्शीद ख्वाजा, जो अब्दुल हमीद ख्वाजा की पत्नी थी, उनके साथ मिल करके इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी बना करके उसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो फिर इसमें भी वही हाल हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखना, और फिर कई बार इनको हुआ, तो फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी यूनिवर्सिटी है उसमें भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये जो है हमीदिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जो इलाहाबाद में है, उस कॉलेज की भी फाउंडर ये थी, तो इन्होंने उसको शुरू किया था। अब तो क्या कहते हैं वो डिग्री कॉलेज हो गया है, अभी भी हमीदिया डिग्री कॉलेज के नाम से। एक और महिला आती है रजिया खातून, जो नसीरुद्दीन की पत्नी थी, ये भी बंगाल में इनका ये था। तो इन्होंने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया, और ये काल इनको जो अरेस्ट किया गया जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखने, इनको काला पानी भेज दिया गया था, जहां पर वो क्या कहते हैं अंतिम सांस तक वहीं पे रही। फिर उनको वहां से क्या कहते हैं रजिया खातून को वापस छोड़ा नहीं, तो उनकी मृत्यु भी वहीं पे हो जाती है। और 1920 में तो इन्होंने अपने देश की आजादी भी नहीं देखी थी। और एक और महिला आती है असगरी बेगम, जो काजी अब्दुल रहीम की माँ थी, जो क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। ये भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने ये किया था, और जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने लिखना और बोलना शुरू किया था, तो बहुत सारी क्या कहते हैं औरतें इनके साथ जुड़ गई थी, और इनके साथ जुड़ने वाली औरतें थी हबीबा रहमानी रहीमी और जाहिदा खातून शेरवानी, और जो क्या कहते हैं मुजम्मिल खान की बेटी थी, और उसके बाद मुनीरा बेगम थी, अमीना कुरैशी थी, फातिमा कुरैशी थी, अमीना तैयबा थी, रिहाना तैयबी थी, क्या कहते हैं हमीदा तैयबी के साथ साथ फातिमा तैब अली थी, शाफतुन निशा थी,
और साफिया सा थी, बेगम कुलतुम थी, असमत आरा थी, और सुगरा खातून थी, बीबी अमानतुल्ला इस्लाम थी, फातिमा इस्माइली थी, सुल्ताना हयात अंसारी थी, हजरा बेगम थी, जोहरा अंसारी थी, ये कई थी। तकरीबन 50 लोगों के साथ एक साथ ब्रिटिश हुकूमत ने इनको जिंदा जला दिया था, असगरी बेगम को, कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करती थी। इसी तरीके से एक और महिला है जिनको कहा जाता है शब्द पोष महिला, और ये जो है बाकायदा क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट हसनत ने डिप्टी कलेक्टर को 21 जुलाई 1859 में एक पत्र में लिखा था। वो पत्र आज भी 187 और 88 पेज पे जॉन ऑफ आर्क अवार्ड उस किताब में ये मौजूद है। शब्द पोष महिला जो हरे रंग के कपड़े पहनती थी और अपने आप को चारों तरफ पूरी तरीके से लपेट लेती थी, वो आंखें उनकी दिखाई देती थी, हाथ पैर सारी चीजें भी, और ये ब्रिटिश हुकूमत की जो छावनी होती थी उस छावनी में किसी तरीके से रात में या सुबह के अर्ली एकदम तड़के वो जाया करती थी, और जाने के बाद जब गहरी नींद में ये ब्रिटिश आर्मी सोती रहती थी, खासकर ऑफिसर रैंक के जो लोग होते थे उन वो अकेले अकेले अपने खेमा उनका रहता था, और उस खेमे में जाती थी और उनका गला काट के चली आती थी। इस तरीके से कई और कई पुरुषों का, कई इनका ऑफिसर का उन्होंने गला काट दिया, और इसकी इंक्वायरी होने लगी, लेकिन कई दिनों तक, कई महीनों तक इंक्वायरी होती रही, लेकिन नहीं पता चल पाया। अम्बाला में की जो छावनी थी उसी में ये सारा कांड हुआ करता था। तो बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, कई महीनों तक, और फिर बाद में किसी ऑफिसर को गला काटते हुए उसने उनके शरीर के बॉडी पार्ट को महसूस किया, तब उसने कहा कि ये कोई पुरुष नहीं, ये कोई महिला है, और उस महिला को ढूंढना जाने लगा, लेकिन लास्ट तक उस महिला का पता ब्रिटिश हुकूमत नहीं लगा पाई, ना ही उनको अरेस्ट कर पाए, और कहा जाता है कि न जाने कितने ऑफिसर का उन्होंने गला काट दिया था। तो इसी तरीके से कई सारी हमारी इस समाज में महिलाओं ने इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और फिर मैं ये कहता हूं कि जितनी औरतें, जितने पुरुष जो भी हैं, सब ने योगदान दिया, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए, जिन लोगों ने अपने समाज परिवार को छोड़ करके सारी बातों को एक तरफ तर्क करके वो जो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किया, उनका नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। बाकी बहुत सारी हजारों लाखों महिलाएं थी, सर्व धर्म की थी, लेकिन उन लोगों ने उतनी क्या कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाई बेचारी, जिनका नाम नहीं आ पाया। जैसे वकील साहब ने कहा कि हजारों ऐसे, लाखों ऐसे लोग रह गए जिनका इतिहास में नाम ही नहीं लिया, जिनको पता ही नहीं चल पाया कि उन्होंने, जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने आप को, या जिनको लोगों ने हिस्टोरिकल ने उनका नाम दे दिया, उनका तो नाम आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेचारे वो गुमराही में, गुमनामी में चले गए। तो एस्टिमेटेड तकरीबन 125 मुसलमान औरतों का नाम जिक्र क्या कहते हैं इतिहास में दर्ज है। 125 मुस्लिम वोमेन कमिटेड लाइफ टू डिवोट, तो अपने देश की आजादी के लिए 125 महिलाओं ने तकरीबन योगदान किया, अपनी जान की आहुति दी, लेकिन बहुत सारे औरतों का नाम नहीं है, जैसे अन्य धर्म की औरतों का बहुत सारों का नाम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह थी मुस्लिम महिलाओं के लिए कि वो पर्दे में रहकर, चार दीवारी में कैद होकर, उसके बावजूद भी देश की आजादी के लिए जब वक्त आया तो उन्होंने उन सब रूढ़ियों को छोड़ दिया, त्याग दिया। जिस तरीके से इवन इस्लाम भी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन इस्लाम भी यही कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी या कोई देश के समाज के ऊपर आए, तो उस वक्त में इन सब चीजों को आपको छोड़ना है, और जैसी जैसा हालात हो उस हालात के हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये औरतें उस वक्त में अपनी उस सिचुएशन, उस रूढ़ीवादी को छोड़ करके, उन पर्दों को, उन सब चीजों को छोड़ करके
उन्होंने देश की आजादी के लिए शाना बशाना पुरुष के साथ लड़ी और देश को आजाद कराया। इन इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी विद्वजनों का जिन लोगों ने मुझे सुना, और टांटिया विश्वविद्यालय का, खासकर वकील साहब का, यहाँ पे सुनील कुमार सर का, मोहिनी मैडम का, डॉक्टर पूजा मैम का, दयानंद कोहली सर का, रिश्ता सर का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अच्छा व्याख्यान रहा। और बहुत महिलाओं बहुत का, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बताइए, बोलिए आप, बोलिए मैडम। हाँ सर, मैं सर के बारे में कहना चाह रही थी कि इतनी गहन जानकारी इन्होंने दी जो कि आज तक गुमनामी के दायरे में थी महिलाएं, हम भी जिनके बारे में कभी नाम भी नहीं सुना था, उनका कितना योगदान रहा, इनकी जानकारी इन्होंने दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य इनका रहा, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रियाज जी, विद्वजन जिन्होंने अपनी उपस्थिति करवा दें, उसी के आधार पर हम आपको प्रतियोगिता प्रमाण पत्र देंगे, जो एक बार के अपना नाम पुनः ना लिखें, आप अपना भी समय नहीं हमारा, आप अगर प्रसन्न है पूछ सकता है। हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आदरणीय? बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आप थोड़ी समय हमारे अनुरोध पर पूर्ण कर सकता, कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है उससे भी कहीं अधिक, कई गुना आपने महिलाओं के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा और उम्मीद है प्राप्त होता रहेगा। विद्वजन मैं बताऊं कि था तो हमारा सर, थोड़ी थोड़ी सी आवाज आपकी कट कट के आ रही है सर, नेट ऑफ ऑन करके देखिए। हमारे उस सत्र के व्याख्याता रहेंगे डॉक्टर मोहनलाल जाट जी, चंडीगढ़ से हैं वो, और उनको हमने टॉपिक दिया है कि देश की आजादी में जाट समाज का योगदान। अब कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि भी मैं भी उसी जाति से बिलोंग करता हूँ, शायद इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं में देना स्वागत कि मैं आपकी कॉलेज के लिए बता दूं, नाम आपसे सुन से हूँ। जब मैं मानता हूँ जानकारी को वो भी लोग से क्या है।
नहीं संस्था के लिए धन्यवाद जी। आपने ने सहयोग करने के योग करता हूँ ही को। चलो तूने दे जाए।